जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। खराब समय आने वाला है, डर जाइए, चेतावनी, घबराइए, कुछ भी हो सकता है और आर्थिक क्राइसिस होने वाला है, ग्रहण भी आने वाला है। ये तमाम जितनी भी चीज़ें हैं आपके मन को कोंद रही होगी। क्या होगा? बहुत से लोगों को EMI भरना होगी, बहुत से लोगों की नौकरी का खतरा होगा, बहुत से लोगों को अपने व्यापार का खतरा होगा। दुकान नहीं खुली इतने दिनों से, नहीं चलेगी। बहुत से लोगों को अपनी शिक्षा का, बहुत से लोग सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रहे थे और न जाने कितनी सारी जीवन की जो हमारी आने वाले समय की प्लानिंग थी वो पूरी गड़बड़ हो गई है। तो हम इसी सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में हमारा खराब समय आने वाला है, क्या वाकई में चीज़ें बहुत ख़राब होने वाली है। इसके लिए लोगों ने इतना कमेंट्स किया मुझे कि मुझे स्पेशली ये वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि तकलीफें यहाँ होती है कि सही जानकारी होना भी आपके लिए महत्वपूर्ण। तो इस वीडियो को पूरा देखें पहली बार, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। कमेंट्स में लिखें जय श्री महाकाल और इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर पर आप 24 घंटे कभी भी मुझे व्हाट्सअप कर दें, वहाँ से आप नंबर मेरा बुक कर लें और मुझसे बात आप कर सकते हैं। एक बार ज़रूर बात करें, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो नंबर लगा के बात करें। पहली बात है कि जितने भी आकलन जो हो रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सही नहीं है। पहली बात, क्योंकि इस महामारी से हम परेशान जरूर हुए हैं और तकलीफें हमें ज़रूर हुई है, लेकिन हम जितना आकलन इसे कर रहे हैं उतना हमारे साथ चीज़ें नहीं घटित होगी, ये मैं आपको एक वादा करना चाहता हूँ। तो इस बात को दिमाग से निकाल दें, एक पॉजिटिव माइंड सेटअप जरूर रखें, इस बात को निकाल दें कि ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो हमें एक भय बनाया जा रहा है, एक भय हमारे मन में जो डाला जा रहा है, उस भय से आप बाहर आए, क्योंकि उस भय से बाहर आने पर कई सारी नई चुनौतियाँ और नए रास्ते आप निकाल सकते हैं, और वही रास्ते वो लोगों के लिए जो लोगों को अभी तक अवसर नहीं मिले हैं, तो इसे अवसर में तब्दील हम कर सकते हैं। बहुत से लोग ऊब गए थे अपनी नौकरी करके, तो एक छोटा व्यापार, छोटी शुरुआत कर सकते हैं और एक अपना व्यापार कर सकते हैं। बहुत से लोग जो अपनी बहुत दिनों का प्लानिंग था जिसको नहीं कर पा रहे थे, वो अब एक नई शुरुआत कर सकते हैं। शर्त ये है कि छोटे से शुरुआत होगी और छोटे से शुरुआत करनी होगी, इसके परिणाम भी बहुत अच्छे होंगे। आप ये सोचें कि हम बहुत बड़ा, क्योंकि आर्थिक रूप से सभी लोग, क्योंकि मध्यम वर्गीय जितने भी परिवार हैं, हम आर्थिक रूप से बिल्कुल पहले 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था करेंगे, हम नहीं इतना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। बहुत से लोग कर पाते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं कर पाए, नहीं कर पाने वालों की तादाद ज़्यादा है। इसलिए छोटे से शुरुआत करके इसे अवसर बनाएं, अपने मन से ये भय निकाल दें, ये चिंताएं निकाल दें कि ये चीज़ें ऐसी घटित होगी, वो होगी। कुछ भी होने वाला नहीं है, चीज़ें सभी धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी और जो जीवन है वो यथावत जैसे पहला था वैसे हो जाएगा। कहीं भी आप इतना जितना घबराहट आप करेंगे, जितना परेशान होंगे, उससे आप अपने आने वाले सालों को, अपने आने वाले समय को खराब कर सकते हैं। बस यही निवेदन है। अच्छा लगो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय श्री महाकाल।